हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम कपड़े का झंडा बनाना सिखाएंगे तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें तो यहाँ पर हमने तीन कलर की इस तरह की पट्टी ली है देखिए आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे इसकी लंबाई नाप लेते हैं तो लंबाई हमने इसकी रखी है साढ़े ग्यारह इंच और चौड़ाई रखी है तीन इंच तो इस तरह की आपको तीन पट्टी लेनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सफ़ेद और जो हमारा केसरिया कलर होता है तो उसको देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और आप लोग वीडियो का अंतर ज़रूर देखें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से झंडे को बनाया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमारी हरे कलर की पट्टी है तो इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है तो सेम इसी तरीके से हमने देखिए दूसरा पार्ट तैयार किया है तो इसमें हम क्या करेंगे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से प्रेस को लगा लिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों पल्ले की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है एक साइड से हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि उस साइड से हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर हमने तीनों साइड से सिलाई लगा दी है यहाँ पर हमें कॉर्नर पर कटिंग कर देना है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको अच्छे से सीधा करेंगे और फिर से प्रेस लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने प्रेस को लगा लिया है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हम डंडी को डालेंगे ठीक है तो बिल्कुल किनारे पर ही हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है यहाँ पर हमारी जो डंडी डलेगी वहाँ से छोड़ के हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बी सेंटर पर इस तरह से निशान लगाना है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अशोक चक्र बनाएंगे जो हमारा झंडे में अशोक चक्र होता है तो वो बनाएंगे तो यहाँ पर हमने गोलाकर का ढक्कन लिया है तो उसी से हम इसको बनाएंगे फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से तीली बना लेते हैं यहाँ पर हमारा जो अशोक चक्र होता है तो इसमें चौबीस तिली होती हैं। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों साइड से अशोक चक्र बना लिया है तो इसी तरीके से आपको भी बना लेना है और यहाँ पर देखिए मैंने डंडी ली है इस तरह की तो इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर हमारा जो कपड़े का झंडा है वो बनकर तैयार हो गया है तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पर इस तरह का झंडा बना सकती हैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू